फ्रेंड्स, जैसे बाइक को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए पावर चाहिए। और हमारी बॉडी को ये पावर मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और वेरियस इलेक्ट्रोलाइट से। और जाहिर सी बात है, सारे चीज हमें मिलते हैं खाने से। हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और बॉडी को जो जो चीज चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन क्या होगा अगर खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो, या फिर आप कोई भी चीज खाते हो तब वो हमारी बॉडी में कैसे और कहां जाते हैं और इससे क्या क्या होता है। हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बड से हमें उस फूड का टेस्ट पता चलता है। और दूसरी तरफ सेलाइबा एक लुब्रिकेंट के काम करते हैं, मतलब सेलाइबा फूड के साथ मिक्स होने के वजह से फूड आसानी से मूव कर पाते हैं। सेलाइबा में एंजाइम भी रहता है जो फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। बाकी रहता है दांत। अभी दांतों से क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। तो इन सारे प्रोसेस मुंह के अंदर होने के बाद फूड्स छोटे छोटे पार्टिकल में इस मस्कुलर ट्यूब में आते हैं जिसका नाम है एसोफेगस। इस एसोफेगस से फूड सीधे स्टोमक में एंटर करता है। अभी ध्यान से देखो, स्टोमक लाइनिंग में तीन ग्लैंड्स रहता है, पेनक्रियास, लिवर एंड गॉल ब्लडर। अभी पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसके अंदर रहता है एंजाइम। ये क्या करता है, फूड के साथ मिक्स होके फूड में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स रहते हैं इसको ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब इसको और भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। और इन सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स इसके बाद चले आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरी तरफ लिवर से बाइल एसिड निकलते हैं जो फैट और विटामिन्स को ब्रेक डाउन करके उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। अभी इस चीज को ध्यान से समझो, जब भी फूड स्टोमक में आते हैं तब पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं और लिवर से बाइल एसिड जो फूड के साथ मिक्स होके फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, राइट। भी फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद जो एक्स्ट्रा बाइल एसिड और पेनक्रियाटिक जूस स्टोमक में बच जाता है वो गॉल ब्लडर में स्टोर होता है। और जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन को इनकी जरूरत पड़ते है गॉल ब्लडर सप्लाई करता है। तो अभी तक जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है वो फिर से बाइल एसिड, पेनक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है। इन सब एक साथ मिक्स होके एक फाइनल ब्रेकडाउन होते है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं इससे भी कुछ एंजाइम निकलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सारे प्रोसेस के बाद कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, वाटर, ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू शुगर, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, कुछ विटामिन, सॉल्ट लीवर में स्टोर होते हैं और बॉडी के जहाँ पर जिस चीज की जरूरत है वहाँ पर उसको डिलीवर करते हैं। फैटी एसिड और कुछ विटामिन्स लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब होते हैं। अभी लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, जब इम्यूनिटी को लेके वीडियो बनाऊंगा तब देख लेना, वरना गूगल कर लेना। अभी सिंपली बस ये जान लो, लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है जो व्हाइट ब्लड सेल और लिम्फ को कैरी करता है जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड्स का ब्रेक डाउन भी होता है और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, वाटर एक्सेट्रा एब्जॉर्ब भी होता है, मतलब बॉडी को जो कुछ चाहिए मिल जाता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन तब वाटर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट को स्टूल में कन्वर्ट करते हैं। स्टूल रेक्टम में स्टोर होते हैं और फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आते हैं। फ्रेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है और हमारे बॉडी को पावर कैसे मिलता है इसको समझने के लिए हर एक छोटे से छोटे चीज को डिटेल में समझना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी को पावर कैसे मिलते हैं इसका एक ओवरव्यू देने का। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी है कॉमेंट में जरूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।